हे स्टूडेंट्स, आपको स्वागत है एक और नए क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो में। इस वीडियो के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन आंसर जो है स्टैंडर्ड 7 का सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन नंबर 1.4 दी किंग चॉइस के सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपके लिए मैं लेके आया हूँ इंटेक्स क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप। तो चलिए वीडियो को और बढ़ते हैं। ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और दोनों के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो सारे आंसर मैंने आपको डाइजेस्ट से दिए, तो आप उसे अपने बुक कंप्लीशन और एग्जाम में भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखे रहेंगे 1.1, 1.2, 1.3, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा प्ले लिस्ट का, उस पर क्लिक करने के बाद आपको स्टैंडर्ड 7 के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सिविक्स, हिस्ट्री, साइंस, आपको जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए आप उसमें प्ले लिस्ट में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अक्सर हमें लोग कॉमेंट करते हैं कि आपके आंसर बहुत बड़े होते हैं, हम आपको ऐसे ही बड़े आंसर नहीं देते, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए वो आंसर बड़े होते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको डाइजेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपको डाइजेस्ट में कितना आंसर दिए, क्योंकि हमको जितना भी डाइजेस्ट आंसर रहेगा आपको उतना ही देंगे। इसके लिए आपको अगर एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा आंसर ही लिखना होगा। और स्टूडेंट्स, आ चुके क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 और दोनों के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कम लग रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करना रहेगा, उसके बाद आपको एडवांस में जाकर आपको उसके पहले प्लेलिस्ट वीडियो क्वालिटी पे जाकर एडवांस पे क्लिक करिए, उसके बाद आपको 720p या 480p आपको जिस पे रखना हो रख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो की प्लेबैक स्पीड कम करना आता हो तो आप कम कर सकते हैं। ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई हैड द लायन नेवर सीन अ कैमल, लायन ने कभी कैमल को क्यों नहीं देखा, उसके बाद में लिखना था और लिख के दे चुका है। और स्टूडेंट्स, आपको जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं ना अक्सर करके, वो वर्कबुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आते हैं, तो आपको वर्कबुक भी आप इस क्वेश्चन आंसर्स को लिख कर कम्प्लीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप वीडियो के अंत में बने रहिए, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर्स मिस ना हो सके।
स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर वन में इसका आंसर इसलिए बड़ा है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है किसके, जितने भी आपके लेसन में पांच कैरेक्टर्स हैं जो है लेपर्ड, फॉक्स, वल्चर, लायन एंड कैमल। तो उन पांचों की आपको क्या क्या लिखने हैं, हर जन के एक एक्शन, थॉट्स एंड क्वालिटी। तो आपको इतना कुछ लिखना है, हर जन का एक पैराग्राफ तो होगा कि यहाँ पे पैराग्राफ ही लिखना है। इसके लिए मैंने आपको आंसर बड़ा दिया है और आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा के एग्ज़ाम में आते ही नहीं, अगर आए भी तो आपको ज़्यादा करके क्या लिखना है, एक जो भी आपका कैरेक्टर सबको लिखना है उसके चार से पांच लाइन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, और इसका भी आंसर मैं आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टोरी राइटिंग लिखने का है। इसके लिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक स्टोरी दिया है, दी थर्स्टी ग्रो, और उसके बाद में स्टोरी मैंने लिख दिया है।